हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेलो वर्सेस पंजाब क्रिकेट क्लब के बीच में जो ECS T10 कैटॉक्स का जो मैच खेला जाने वाला है कल दोपहर को 3 बजे। तो यहाँ पर आपके पास स्मॉल लीग पर टीम कैसा रहेंगे, ग्रैंड लीग पर टीम आप कैसे बनाएंगे और कौन कौन से प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, सारे बाद में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, सारे न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पर वेन्यू रहेंगे गुचिरे क्रिकेट ग्राउंड अल्बरगरिया पुर्तगाल में। तो ये पुर्तगाल T10 का मैच है, तो इसमें सेकेंड सेमीफाइनल है ये मेलो और पंजाब क्रिकेट क्लब के बीच। तो फ्रेंड्स, ये ग्राउंड पर एवरेज स्कोर T10 मैचों में रहता है 90 से 110 तक। तो यहाँ पर चेजिंग ज़्यादा नहीं होते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें, बैटिंग फ्रेंडली है, छोटे ग्राउंड है, नॉन चेजिंग ग्राउंड है। तो छोटे ग्राउंड क्यों, तो यहाँ पर आपको ये बात मानना पड़ेगा कि सारे जो ग्राउंड्स होता है जहाँ पर T10 मैचेस खेला जाता है तो वहाँ पर ग्राउंड शायद छोटा ही रखता है, क्योंकि छोटा ग्राउंड रखने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा 6 और 4 देखने को मिलेंगे, ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेंगे, तो इसलिए ग्राउंड छोटा रखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चेस नहीं होता है। अगर आप शायद लास्ट मैचों में मैचों का जो स्टैट्स देखो, तो यहाँ से लास्ट 40 मैच में यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट ने ओन किया 28 और बैटिंग सेकंड ने ओन किया 12 टाइम्स। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ग्राउंड चेजिंग है या नॉन चेजिंग है। तो मेरे हिसाब से ये ग्राउंड बिल्कुल नॉन चेजिंग है। तो अगर आपको सारे न्यूज और जो टीम के साथ हम खेलते हैं, हमारे चैनल का जो फाइनल टीम होता है, तो वो अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज्वाइन हो जाइए। आप टेलीग्राम मत जाकर सर्च कीजिए टारगेट इन फैंटेसी लिख के, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप बिना देरी करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चले जाइए, वहाँ से लिंक लेकर टेलीग्राम में तुरंत ज्वाइन हो जाइए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने सारे जो डेडलाइन से पहले लाइनअप आते हैं वहाँ उसके बाद हम टीम बनाते हैं, तो वो टीम्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। तो अभी बात करिए, सेकंड सेमीफाइनल मैच है, यहाँ पर मेलो का जो प्रोबेबल पेयर से खेला जाने वाले हैं, यहाँ पर नंबर एक पर है जेसा, उसके साथ ओपन करेंगे एन सजाद जो कि कैप्टनसी करेंगे खुद की टीम का। यहाँ पर नंबर थ्री पर ए सिंह, चौथे नंबर पर ए गोंडल, नंबर पाँच पे ए साजिद विकेट कीपरिंग करेंगे, यहाँ पर ए जाइप, एस मैसम और एस अली ये भी विकेट के विशेष समय आपको देखने को मिलेंगे। 9 नंबर पर ए महमूद, यू साबिर और ए इकराम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अच्छी प्लेयर्स की बात करें जिसका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, यहाँ पर एन साजा ने लास्ट मैच पर 15 रन बनाए और एक विकेट लिया है, जे शाह ने 17 रन बनाए, ए गोंडल ने 2 विकेट लिया है, ए जाइब ने 2 विकेट लिया, एस मैसम ने 18 रन किया, ए महमूद ने 1 विकेट और ए इकराम ने 12 रन बनाए। तो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक बन जाएंगे, यहाँ से एस मैसम, ए जाइब, ए गोंडल, एन सहजत, साथ में जे सा भी है और आप चाहे तो इकराम को भी पिक कर सकते हैं स्मॉल लीग की तौर पे टीम पर। तो यहाँ पर PNG मतलब पंजाब क्रिकेट क्लब की बात करें, यहाँ से ए काजी, ए अहमद के साथ ओपन करेंगे, उसके बाद आएंगे आई राव, आर सरवर, अच्छे प्लेयर्स हैं आपके लिए, स्टेट्स आगे देखेंगे। यहाँ पर नंबर पाँच पे है पी सिंह, यहाँ पर नंबर छः पर है यू मोहम्मद, 7 नंबर पर इम अब्बास, यहाँ से 8 नंबर पर क्यू इलियास, नंबर 9 पर बी नसीर, 10 नंबर पे बी नसीम और यहाँ से नंबर 11 पर ए सालीना की। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके टीम स्मॉल लीग टीम पर मस्ट पिक बन जाएंगे, यहाँ से ए सालीना की, बी नसीर भी है जो कि लास्ट मैच में 14 रन बनाए, क्यू इलियास लास्ट मैच में 2 विकेट लिया, एम अब्बास की बात करें 10 रन बनाए, 3 रन बनाए लास्ट 2 मैचों में और 2-2 करके विकेट निकाला है। तो ये आपके लिए एक अच्छी कैप्टनी शेयर वाइस कैप्टनी चॉइस मिल जाएंगे स्मॉल लीग पर। तो बात करें यू मोहम्मद की, लास्ट मैच में 10 रन और 2 विकेट लिया, साथ में पी सिंह लास्ट 2 मैचों में 16 रन, 19 रन और साथ में 1 विकेट निकाला है, आर सरवार एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, साथ में आई राव भी है, दोनों ने 26, 23, 27, 29 ऐसे करके कुछ रन बनाए हैं, मतलब अच्छे भरे जाए इनका, तो इनको आप मस्ट भी पिक कर सकते हैं। स्मॉल लीग की कैप्टनसी वाइस कैप्टनी चॉइस की बात करें, एन सजद है, एस मैसम है, प्रवीण सिंह जूनियर है, साथ में आप और एक ऐड कर दिए यहाँ पर आर सरवार भी है, तो ये प्लेयर बहुत ही अच्छा है। ग्रैंड लीग पिक्स की बात करें, यहाँ से उमर मोहम्मद आपको ग्रैंड लीग पिक्स में मिल जाएंगे, ए गोंडल है, जे शाह है, सलीम अली है, साइम अली है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस आपके लिए ग्रैंड लीग पर एक अच्छे खासे पॉइंट देते हुए मिलेंगे, क्योंकि आप शायद जानते ही हैं कि ग्रैंड लीग T10 का जो जब ग्रैंड लीग हम बनाते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं, जो जैस मतलब जो जो टीम हमने बनाता है ये वो हो सकता है कि 5 टीम हो या 10 टीम हो या 20 टीम हो, तो वहाँ पर हमने क्या करता है कि 11 प्लेयर्स को कॉन्स्टेंट रखते हैं,
कैप्टन और वाइस कैप्टन को रोटेशन करते हैं, कैप्टन की जगह वाइस कैप्टन को दे दिया और वाइस कैप्टन की जगह कैप्टन को दे दिया और कैप्टन वाइस कैप्टन को कॉन्स्टेंट रख के यहाँ से एक प्लेयर्स को हम रोटेशन करते हैं, एक बॉलर या एक ऑलराउंडर को हमने इस टीम से वो टीम, वो टीम से वो टीम करके करते हैं, क्योंकि ऐसे ही T10 लीग्स में ग्रैंड लीग विन होता है। वो जैसे करके हमने 90% प्लेयर वाले को ड्रॉप कर दिया, फिर वो आके 2 विकेट लेके चले गए, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने पहली बार पहले आपको ये बताया कि आपको कैसे टीम बनानी है, तो वो अगर आपको पता है तो शायद आप जान जाओगे। तो यहाँ पर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चलिए आप D11 की टीम बनाते हैं हम लोग, देख लेते हैं। यहाँ पर विकेट कीपरिंग सेक्शन में आपके लिए रहेंगे ए काजी, आपको मिल जाएंगे ए सली मिल जाएंगे और साथ में एस मालिक भी मिल जाएंगे, तो फिलहाल हमारे टीम पर रहेंगे ए काजी। बैटिंग सेक्शन में हमारे रहेंगे एन सैजत, आई राव और यहाँ पर आर सरवर रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर क्रेडिट की इशू आए तो हम वहाँ पर टेलीग्राम पर एक अच्छी सी टीम बनाकर पोस्ट कर देंगे डेडलाइन के पहले, मतलब लाइनअप आने के बाद, क्योंकि फिलहाल हम तो जैसे तैसे करके टीम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट इशू का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अभी तो एक 17% वाले प्लेयर होता है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। फाइनल टीम तो हम टेलीग्राम पर ही देंगे ना। तो यहाँ पर पी सिंह जूनियर रहेंगे, एस माइसम, यू मोहम्मद, साथ में यहाँ से ए जैप। तो फिलहाल हमने यू मोहम्मद को छोड़ के यहाँ से क्यू इलियास को पिक करा है, क्योंकि क्रेडिट बचाने के लिए हमने इनको पिक किया है। तो यहाँ से एस अली रकी, यहाँ पर एम सरवर, सॉरी बी नसीम, यहाँ पर ए महमूद, तो ये प्लेयर्स हमारे टीम में फिलहाल रहेंगे। तो यहाँ पर कैप्टन से बच करने की ऑप्शन बात करें, एस माइसम है आपके लिए, यहाँ पर क्यू इलियास भी एक अच्छा ऑप्शन है, आर सरवर भी है और यहाँ पर एन सैजद भी है। तो फिलहाल हमारे टीम पर कैप्टन लगे एन सैजद और वाइस कैप्टन लगे एस माइसम। तो एक बार आपको प्रीव्यू पहले दिखा देता हूँ, हमारे टीम पर है ए काजी, आर सरवर, आई राव, एन सैजद, ए जाइब, एस माइसम, पी सिंह, क्यू इलियास, ए महमूद, ए सलीना की, बी नसीम। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप ग्रैंड लीपर्स क्या कर सकते हो, यहाँ पर आर सरवर है, इसको आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हो ग्रैंड लीग पर। अगर आप 20 टीम बना रहे हो तो एक टीम पर आप इसको दे सकते हो, कोई उनमें दिक्कत नहीं है। आई रा को तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो, क्योंकि ये इस बंदे ने आपको 20 रन करके देंगे ही देंगे। यहाँ पर पी सिंह जूनियर को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में से। यहाँ पर अगर बॉलिंग सेशन में आप कुछ डिफरेंशियल करना चाहते हो तो यहाँ से ए महमूद को आप कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी दे दो ग्रैंड लीग पर, अगर चल जाए तो आप वन साइडेड विन कर जाओगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से हमारे टीम की सजेशन लेकर एक अच्छी सी खुद की टीम बनाए और ढेर सारा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।